नमस्कार दर्शक बंधु। दर्शक बंधु, हिंदू धर्म रे शनिवार दिन भगवान शनिदेव को समर्पित करा जाय थाए। नवग्रह मानक मध्यरु शनि एमिति एक ग्रह अटंती जहां सबुठारु बेसी क्रोधी बोली कुहा जाय थाए। शनिंकर साढ़े साती बा शनिंकर अढ़ैया ना शुणी बड़रु बड़ धनी व्यक्तिंक उपरे मध्य प्रतिकूल मानसिकतार प्रभाव पड़िथाए। एही कथा बहुत कम लोक जानिथिबे कि शनि ग्रह भल लोकंक पाई जस धन पद एवं सम्मानर ग्रह बोली कुहा जाय थाए। शनि संतुलन एवं न्यायर देवता अटंती। शनिर अर्थ हैला धर्म कर्म एवं न्यायर प्रतीक। शनि ही धन संपत्ति वैभव एवं मोक्ष प्रदान करिथांती। कुहा जाए शनिदेव पापी व्यक्तिंक पाई अत्यंत दुखदायक अटंती। शनिंकर दशा आसिबा परे जीवन रे अनेक किछि दुख कष्ट आसी थाए, जहाद्वारा जीवन एपट सेपट हो जाए थाए। बड़रु बड़ धनी व्यक्ति मध्य कांगाल हो जाए थांती। किंतु शनिदेव किछि लोकंक पाई अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फलदायक अटंती। सूर्यपुत्र श्री शनिदेव मृत्यु लोकर एमिति स्वामी अटंती, एमिति अधिपति अटंती, जहां समय आसिले व्यक्तिर भल मंद कर्मर आधार रे ताकु दंड देई सुधुरिबा पई प्रेरित करिथांती। किंतु आमर ग्रंथरे शनिदेवंकर कृपा जहां उपरे पड़िथाए तांको विषय रे किछि लक्षण कुहा जायछि। आज आमे व्यक्ति मानकर एमिति लक्षण विषय रे आपण मानकु जणैबु जहां उपरे शनिदेवंकर कृपा सबु बेले लागिकि रहिथाय। एही भली व्यक्ति मानक उपरे शनिदेव सबु बेले आशीर्वाद करिथांती। एही भली व्यक्तिंकु जदि शनिदेव दंड देइथांती ताहा तांकु सुधारिबा पई देइथांती। एथिपई आपणक जीवन रे असुविधा बा दुख देखा जाउछि ताहाले शनि मंदिर को जाई शनिदेवंकु अवश्य प्रार्थना करंतु। कारण शनिदेव आपणक उपरे आदौ रागी नथांती, बरं से तो आपणकु सुधारिबा पई एहिपरि दंड देइथांती। कारण आपण माने सुधुरी जिबे एवं आपणकर भविष्यत भल हब। चालंतु जानिबा कोण अटे सही लक्षण जहां व्यक्तिंक उपरे प्रभाव पकाई थाए। जदि कोनोसी व्यक्ति उपरे शनि तांकर शुभ दृष्टि पकाउछंती ताहले तार साधारण जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा मान देखा जाय थाए। एही भली व्यक्तिंक शरीर पूरा पतला होय थाए, तार बाळ बहुत ही घन होय थाए। शनिंकर कृपा प्राप्त होइथिबा व्यक्ति अनुशासन तळे ढांकी होइकि रहिथांती। धीरे धीरे से आध्यात्मिकता आडकु अग्रसर मध्य होइथांती। एही लोकमाने आरंभरे देवी देवतांकु विश्वास करिनथांती, किंतु धीरे धीरे एमानंकर देवी देवतांक उपरे विश्वास वृद्धि पाइबारे लागिथाए। एही लोकमाने आध्यात्मिक दिगडकु बढ़ी बढ़ी चलिथांती। एही लोकमानंकु अल्प बयसरे हाड़ जनित रोग मध्य होइथाए। पाद मकची जिबा, हाथ और गोड़ भांगी पड़िबा, जॉइंट जगरे व्यथा आबा, जदि आपणक भितरे किछि एही भली लक्षण देखा जाउची ताहाले बुझि जांतु आपणक उपरे शनिदेवंकर कृपा अछि। जेउ लोकमानंक उपरे शनि दया करिथांती सेही लोकमाने बड़रु बड़ असुविधारु मध्य पार पाइबा पई सक्षम होइथांती। जेते बड़ असुविधा थाउ ना काहेकि समाधान शीघ्र हो जाए, अर्थात जेते भी असुविधा थाउ ना काहेकि तार कौनसी भी क्षति हो न थाए। एही प्रकारर व्यक्ति कहार साहाज्य नेबाकु पसंद करि न थांती, ना से कहार साहाज्यरे आगकु बढ़िथांती। एही भली लोक माटीरु निजर कार्य आरंभ करी गोटिए दिन सफलतारे पहुँचिथांती। जदि शनिदेवंकर कृपा आपणक उपरे अछि ताहाले आपण माने सबुबेले निजकु शक्तिशाली एवं अधिक स्वतंत्र रूपरे परिचय तयारी करबा पई प्रयास करिथांती। जेमिति कि आपण सक्तरे होइथांती, ता सहित आपण जणे भावनात्मक व्यक्ति अटंती। आपण कहा सहित भी मिसी जाती, ताहा सहित आपणकर बंधुत्व हो जाए थाए। आपण तांकठारु दूरे जीवाकु पसंद करती नहीं। आपण मिछ कहुथुबा, ठकुथुबा, बेमानी करुथुबा व्यक्ति को घृणा करती। आपण एइभली व्यक्ति मानंकु पाखरे रखिबा पई आदौ पसंद करती नहीं। आपण प्रत्येक काम को
ଅନୁଶାସନରେ ରହିକି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୟା ପରେ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା ଲାଗିକି ତ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସୋରିଷର ତେଲ ଦାନ କରିବା ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଶନିଙ୍କ କାରଣରୁ କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ, ତାହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କଳା ବସ୍ତ୍ରର ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ତେଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଶନିଦେବ ସବୁବେଳେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସେ ତ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ତାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।